हरियाणा पुलिस ने कथित गौ रक्षक मोनू मानेसर को हिरासत में लिया है। मोनू मानेसर को बोलेरो और क्रेटा गाड़ी में आई पुलिस कर्मियों ने उस वक्त हिरासत में लिया जब मोनू मार्केट जा रहा था। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। मानेसर की तलाश एक साल से अधिक समय से हरियाणा और राजस्थान पुलिस को थी। राजस्थान के भरतपुर से अगवा करके कत्ल किए गए नासिर और जुनैद के केस में भी नाम आने के बाद मोनू मानेसर अंडरग्राउंड हुआ था। इसके अलावा हाल ही में नू में हुई हिंसा से भी उसका नाम जुड़ा था। अभी ये साफ नहीं है कि पुलिस ने किस केस में उसे हिरासत में लिया है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक ये खबर सामने आई है कि हरियाणा पुलिस मोनू को राजस्थान पुलिस को सौंपने की तैयारी कर रही है। बता दें, मोनू मानेसर का भिवानी में दो लोगों के मॉब लिंचिंग करने का आरोप भी लगा था। हाल ही में हुई नूह हिंसा में भी उसे जिम्मेदार ठहराया गया था। हरियाणा के नूह जिले में 31 जुलाई को हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में मोनू मानेसर का नाम सामने आया था। नूह शोभा यात्रा के कुछ दिन पहले मोनू मानेसर ने लोगों से बजरंग दल के सदस्यों द्वारा निकाली जा रही शोभा यात्रा में शामिल होने की अपील की थी। बताया जा रहा है कि मोनू मानेसर ने यात्रा के एक दिन पहले ही वीडियो जारी करके ऐलान किया था कि वो यात्रा में शामिल होगा। इसके बाद से ही इलाके में तनाव फैलना शुरू हो गया था। बताया जा रहा है कि वीडियो को देखकर राजस्थान के भरतपुर की पुलिस मोनू को पकड़ने के लिए नूह पहुंची थी, लेकिन मोनू मानेसर यात्रा में नहीं पहुंचा। मोनू मानेसर उर्फ मोहित यादव खुद को बजरंग दल का सदस्य और गौरक्षक बताता है। वो गुरुग्राम के पास मानेसर से आता है। उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल के अनुसार वो हरियाणा में गौ रक्षा दल का प्रमुख है। मोनू मानेसर यूट्यूब पर भी काफी फेमस है। आपको बता दें, गौ तस्करी विरोधी अभियानों को लेकर मोनू मानेसर पहले भी सुर्खियों में रहा है। मोनू का नाम कुछ महीने पहले तब सुर्खियों में आया था जब उस पर नासिर और जुनैद का अपहरण करके उनकी हत्या का आरोप लगा था। आरोपी गौरक्षकों ने नासिर और जुनैद को उन्हीं की बोलेरो गाड़ी में जिंदा जला दिया था। हालांकि इस मामले में राजस्थान के डीजीपी उमेश मिश्रा ने भरतपुर के नासिर और जुनैद हत्याकांड में मोनू मानेसर का सीधा हाथ होने से इनकार किया था।